कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। दलहन बाजार के बारे में आज हम बात करेंगे। दलहन बाजार में सबसे पहले चने के बाजार के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बाजार में कारोबार देखा नहीं जा रहा है, स्टेबल दलहन बाजार भी चल रहा है। सबसे पहले चने के बाजार के बारे में बात करते हैं। स्थिरता के साथ चने में आज जो रेट देखा जा रहा है, स्थिरता के साथ कारोबार देखने के बाद आज चने में 6400 से लेकर 6500 रुपए प्रति क्विंटल का रेट दिल्ली में राजस्थान के चने का है। मध्य प्रदेश के चने के दाम 6400 से लेकर 6450 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। दैनिक आवक 5 से 7 मोटरों की हुई है। हाजिर बाजार में चने का बकाया स्टॉक कम है। नई फसल आने में अभी कई महीने चने में बाकी है। इसके अलावा अरहर दाल में 100 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। सोलापुर मंडी में देसी अरहर के दाम 9000 से लेकर 11500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजारों में देखे जा रहे हैं। चालू सीजन में कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में भी अरहर के उत्पादन अनुमान में कमी आने की आशंकाएं हैं। उधर बर्मा में लेमन का बकाया स्टॉक सीमित मात्रा में बचा हुआ है। लेमन के साथ साथ अफ्रीकी देशों से अरहर के आयात भी पड़ते महंगे हैं, जबकि खपत का सीजन होने के कारण बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। डिमांड बाजार में अगर बनी रहती है तो तेजी जरूर देखी जाएगी। इसके अलावा उड़द और मूंग दाल में भी 100 रुपए तक की गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया। देसी उड़द के दाम 8000 से लेकर 10000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच सोलापुर में रहे, और इसी तरह से दिल्ली में राजस्थान लाइन की नई मूंग के दाम भी 8000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच मार्केट में देखे गए। मूंग दाल में चालू खरीफ में बुआई कमी के साथ साथ अगस्त में भी उत्पादक राज्यों में सूखे जैसे हालात बनने के साथ मूंग की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी कम बैठ रही है। हालांकि नई मूंग की दैनिक आवक उत्पादक मंडियों में बनी रहने का भी अनुमान नजर आ रहा है। साथ ही नेफेड भी लगातार मूंग की बिकवाली कर रही है। एक तरफा तेजी आने के आसार मूंग में बेहद कम नजर आ रहे हैं। उड़द दाल पर अगर नजर डालते हैं तो उड़द दाल में भी खपत का सीजन होने के कारण आने वाले दिनों में उड़द दाल में दक्षिण भारत की मांग बढ़ने का भी अनुमान है। इसीलिए इसके भाव में एक तरफा बड़ी तेजी और मंदी आने के आसार नहीं है। हालांकि खरीफ में उड़द का उत्पादन अनुमान से कम रहने की भी आशंका है, लेकिन केंद्र सरकार की सख्ती से उड़द में मिलों की खरीद जरूरत के हिसाब से ही रहेगी। मंडियों में हल्की क्वालिटी के माल फिलहाल के लिए उड़द दाल में ज्यादा आ रहे हैं। मसूर दाल के बारे में बात करते हैं। तेजी इसमें भी नहीं है। 25 से लेकर 50 रुपए तक की गिरावट आने के बाद दिल्ली में मसूर के दाम 6000 से लेकर 6500 रुपए प्रति क्विंटल देखे गए। हालांकि बढ़ी हुई कीमतों में मिले भी जरूरत के हिसाब से मसूर दाल में खरीदारी कर रही है। कीमतों में इसी में तेजी और मंदी बने रहने का अनुमान अभी भी नजर आ रहा है। हालांकि आवक मंडियों में कमी भी कम देखी जा रही है, जबकि मसूर दाल में खपत राज्यों बिहार, बंगाल और असम की मांग बराबर बनी हुई है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो आपको स्टेबल से लेकर हल्का सा नेगेटिव बाजारों में जाता हुआ दलहन बाजार में देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में हल्की सी रिकवरी जरूर निकलेगी, तो उसको नजर में रखते हुए आप बाजारों में जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो का अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।